जनपद सोनभद्र के प्रमुख सरकारी बैंकों में शामिल इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा अनपरा बाजार के मैनेजर और कुछ व्यवसायियों का बैंक अंदर शराब सिगरेट और चिकन खाते वीडियो वायरल होने से जहां संबंधितों में हड़कंप मच गया है, वहीं बैंक की सुरक्षा व्यवस्था और विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लग रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक भारत का सरकारी क्षेत्र का प्रमुख बैंक है और जिस प्रकार से बैंक प्रबंधक अक्षत जैन ने अपने साथियों और कुछ व्यवसायियों के साथ अपनी कुर्सी पर बैठकर शराब और सिगरेट फूंक रहे हैं, उससे निश्चित ही बैंक के खाता धारकों के लिए जहाँ बड़ा झटका है, वहीं बैंक की शाखा भी गिर गई है। जहाँ प्रतिदिन लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता हो और शाम को शराब चिकन सिगरेट की महफिल जमती हो, उस बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति खाताधारकों का विश्वास कैसे बनेगा। सूत्रों की माने तो बैंक मैनेजर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक पर रखकर कुछ तथाकथित खाताधारकों को जमकर फायदा पहुंचाया है, जो जांच का विषय है। ग्राहकों की माने तो बैंक मैनेजर का आम खाताधारकों व कुछ कर्मचारियों से व्यवहार काफी खराब है, जिसकी चर्चा आम है। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति को लंबे समय से लोन के लिए टहला रहे बैंक मैनेजर से तूतू मैमे भी हुई थी। इस संबंध में इंडियन ओवरसीज बैंक के रीजनल मैनेजर रजनीश कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।